नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बताया जा रहा है सीबीआई के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में जिन जिन लोगों का नाम आया था, अब कहीं ना कहीं उन लोगों का सारा काला चिट्ठा जो कि सीबीआई के सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, सीबीआई पर जिस तरह से उंगलियां उठ रहा था, कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम चुपके चुपके ही लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है सीबीआई के द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ था उस बांद्रे वाले घर में फिर से रिक्रिएट सीन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, और उन जगह पर उन सभी आरोपियों को भी लाया जाएगा जिसमें संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सभी लोग को वहां पे फिर से रिक्रिएट सीन किया जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस कमरे में क्या सब हुआ था। जी हां दोस्तों, अब सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है क्योंकि सीबीआई की टीम ने बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे छापा मारा। सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर से लेकर बांद्रे वाले घर तक सभी जगहों पर फिर से जांच की है सीबीआई की टीम। और अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले का रिक्रिएट सीन करके उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन लोगों का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के इस केस से है। बात यही नहीं रुकती है दोस्तों, अब सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी को काफी डर है कि आखिर इस रिक्रिएट सीन में कहीं उन लोगों का नाम ना जाए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ उस मामले में अब चाबी बनाने वाले भी उस जगह पे मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं उस चाबी बनाने वाले रफीक का भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ वहां पे क्या हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग जरूर हमारा सपोर्ट करें और सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए हमेशा आगे लड़ते रहे। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले पर सीबीआई की टीम अभी तक डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी सीबीआई की टीम फिर से बांद्रे वाले घर पे रिक्रिएट सीन करके उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे इस डेट का अनाउंस होगा और सीबीआई की तरफ से कोई भी बड़ा अपडेट सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया में जरूर बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।